दोस्तों, आप सभी टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति को तो जरूर जानते होंगे, जो इन दिनों टीवी इंडस्ट्री से दूर हो गई हैं और अपने हॉलीडे को एंजॉय कर रही हैं। सुरभि ज्योति ना सिर्फ टीवी शो बल्कि उनकी पॉपुलर वेब सीरीज के कारण भी जानी जाती हैं। आपको बता दें कि सुरभि ज्योति टीवी के कई पॉपुलर शो जैसे कबूल और नागिन का हिस्सा रह चुकी है, जिसमें इनके अभिनय को बेहद ही ज्यादा पसंद किया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे अभिनेता मौजूद हैं जो सुरभि ज्योति को बेहद ज्यादा पसंद करते हैं, साथ ही उनके साथ काम करने की इच्छा भी रखते हैं। तो दोस्तों, इन अभिनेताओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। फर्स्ट नंबर पर है जैन इमाम। टीवी इंडस्ट्री के हॉट अभिनेता जैन इमाम को भी सुरभि ज्योति बेहद ही ज्यादा पसंद है। जैन इमाम ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि सुरभि ज्योति उन्हें बेहद ही ज्यादा पसंद है, अगर लाइफ में एक मौका मिले तो मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। सेकंड नंबर पर है अर्जुन बिजलानी। नागिन 3 में सुरभि ज्योति के साथ अभिनय करते हुए दिखाई दिए। अर्जुन बिजलानी का कहना है कि उन्हें सुरभि ज्योति बेहद ही ज्यादा अच्छी लगती है। सुरभि ज्योति एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करती है। थर्ड नंबर पे है करण सिंह ग्रोवर। टीवी और बॉलीवुड के हॉट अभिनेता करण सिंह ग्रोवर सीरियल कबूल है में सुरभि ज्योति के साथ अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। शो के दौरान करण ने कहा था कि सुरभि ज्योति एक बेहद ही अच्छी इंसान है, अगर मेरी शादी ना हुई होती तो मैं सुरभि ज्योति को जरूर अपनी दिल की बात कहता। फोर्थ नंबर पे है पाल वे पुरी। नागिन 3 से फेमस हुए पाल वे पुरी भी ब्यूटीफुल सुरभि ज्योति के दीवाने हैं। पाल वे पुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सुरभि ज्योति एक बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है और मैं उन्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। इसके साथ ही इन दोनों के फैंस भी चाहते हैं कि ये दोनों जल्द शादी कर ले और एक शादी के बंधन में बन जाए। तो दोस्तों, इनमें से किस अभिनेता के साथ आपको सुरभि ज्योति की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।